मेहनत करोगे तो 16 आएगा क्या, 15, 14, 13 सब आएगा। अभी बताते हैं इसको इसको कैसे यूज़ करना है। देखो अरे रुक जा ओए, इसको इसको पहन के देखो, तो दो चीज़ होगा, पुल करोगे तो पता नहीं चलेगा पुल हो रहा है कि नहीं, बहुत बेकार लगेगा। अच्छा, लेकिन जो हाथ तुम्हारा ऐसे हो जाता है ना, ऐसे ऐसे खींचते हो, ऐसे खींचते हो, उसको सही करने के लिए होता है। ये ऐसे कर देगा तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए, तुम ऐसे नहीं कर पाओगे ना ऐसे कर पाओगे। एल्बो बस अगर ऊपर रखोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिक हैंड ये सेट कर देगा उससे, लेकिन जब खींचोगे ना तो खींच फील नहीं होगा पानी का, खींच रहे हो। पहनो, ये है ये वाला है राइट का, सही है सही है, वो सही है, इसको इधर पहनो। इस साइड से करो, अंगूठे एक बार अंगूठा बाहर निकालो ना एक, ये हाँ करो, चलो करो करो करो। इससे क्या होता है, हाथ जो बहुत लोग का इधर उधर मुड़ जाता है ना, उसको एकदम सीधे करता है ये हाथ। हाँ, इसकी मैं लिंक डाल दूंगा, अमेजोन पे मिलता है, लेकिन सबके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, इनको स्ट्रोक वगैरह सही करना है, वो इसको परचेज कर सकते हैं। ये आपके हाथ को आपकी कलाई को रोक के रखता है। जब कलाई रुकी रहेगी तो आपका जो आर्म मान लो ऐसे गिर रहा है या ऐसे गिर रहा है, तो उसको रोक के रखेगा, एकदम सीधे रखेगा। जैसे उसका उसका हाथ ना, उसकी कलाई ऐसे मुड़ी रहती है अंदर की ओर, ऐसे ऐसे किए रहता है, तो उसको सही करने के लिए मैं इसको लेके आया हूँ। लो उसको दो अर्जुन, उसको दो, इसको पहन के तुम वार्म अप करो, मतलब प्रैक्टिस करो हैंड मूवमेंट की, और अर्जुन तुम रस्सी बांधो और किक पैड लो और फिंस पहनो। हाँ, कम से कम 4 से 6 राउंड लगाओ इसको, ठीक, 4 से 6 राउंड लगाओ ना। हाँ सही है, हाँ पैडल है, ये भी पैडल ही है। बहुत अलग अलग पैडल्स आते हैं, ये तो बहुत छोटे मोटा एग्जाम्पल है। फोर आर्म के लिए मेन चीज़ होता है। चलो तुम इधर किनारे किनारे प्रैक्टिस करो हैंड मूवमेंट, रिलैक्स रख के करना, कलाई को जोर मत देना, दर्द होगा। और साइड ब्रीथ ही करना। अर्जुन तुम वो ट्यूब लगाओ। तो देखो टोटल करना है तुम्हें 20 सेकंड के 5 सेट करना है, बस उसका छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे। रुको स्टॉप वॉच ले आए, स्टॉप वॉच ही बार बार रख देते हैं अंदर। 20 सेकंड के 5 सेट करना है सिर्फ, ओनली टेक योर मार्क गो। और तेज करो, नीचे चलाओ किक को नीचे। हाँ 10 सेकंड हुआ, 14, और तेज और तेज और तेज। स्टॉप 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 स्टॉप, क्रैम्प आ गया, क्रैम्प आ गया उंगली में। उंगली में कौन सा, छोड़ो जाने दो। अच्छा निकाल दो निकाल दो, रिलैक्स कर लो तब, नहीं रिलैक्स नहीं करो, कर ही लो बिना पिंच के, कर लो, रुक जा थोड़ा रिलैक्स करो, भी सही हो जाएगा वो। बहुत जोर पकड़ रहा है। इतनी क्यूट बॉडी है तुम्हारी, तुम्हें क्यूट बोल बोल के ज़्यादा ही क्यूट हो गए तुम अब लग रहा है। कहाँ क्रैम्प आया, अरे ये सब बच्चों वाला क्रैम्प होता है, इस सबसे ना डरा करो। क्रैम्प आता है जब बीच कहीं स्विमिंग पूल में रहो, हाथ पैर दोनों में क्रैम्प आ जाए। कैसे बचे है? कैसे बचे, पैर में आया था, दोनों पैरों सिंक हो गया, सिंक हो गया था ना, तुरंत मेरे भी एक बार आया था, तो हाथ हाथ से ऐसे पावर करके निकाल गए होगे, हाथ से ऐसे मुंह पानी के ढकेलते हुए। इतना पे थे बस, ऐसे सट भी गए, बस सुनता ही ना दवाल वाल कुछ नहीं, तुरंत खाने के वही वही चीज, ये चीज समझ नहीं आ रही क्या, मेरी डायरेक्शन क्यों बदल जाती है, वहां से आया इधर आ गया, पावर गलत लगा रहे हो ना तुम, जैसे नहर वाले में जैसे झटका जो झटका दे रहे हो ना, मेन कारण वही है, झटका अगर जिधर भी तुम डायरेक्शन में दे रहे हो उधर ही जाएगा। नहर में क्या होता है, तुम झटका दे दे के स्विमिंग करते थे, तो वही दिक्कत यहाँ होती है कि रुका हुआ पानी है, और रुके पानी में जिधर भी झटका दोगे बॉडी सीधे उधर भाग जाएगी। चलो
चलो जल्दी जल्दी करो यार। आया फिर तो तुम छोड़ दो, तुम पकड़ो इसको, तुम वो कर लो। चलो नहीं ये तो मेरा सही है, कर लो कुछ और क्या, ब्रेस स्ट्रोक का कर लो। छोड़ दो यार तुम, बहुत आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ, हमारा क्यूट बच्चा रोने लगेगा। चलो आ जाओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर ऊपर आओ, पानी पियो, निकाल दो, जाओ इलेक्ट्रोलाइट बना के पी लो, आराम करो, पोगो देखो जाके। टाइम भी तो कम बचा है भैया तुम्हारे पास, एटलीस्ट जाओ तो थोड़ा लगे कि आया है कोई स्विमर। भले से जीतो ना जीतो बात अलग है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे, परफॉर्मेंस ठीक देना चाहिए, लेकिन ग्रुप टू है मेन चीज़ है ना, ग्रुप टू में भाई दैत्य आते हैं, दैत्य दैत्य मतलब जैसे हम और ये ऐसे ऐसे रहेंगे। अभी ग्रुप टू में जाओगे तो बहुत मज़ा बहुत आएगी, मज़ा बहुत आएगी, आके आके तुम कहानी सुनाओगे, वहाँ पे ऐसा आया था वैसा आया था, पहला कॉम्पिटिशन है ना इसलिए। चलो लगाओ तुम, ग्रुप वन में तो आएंगे जैसे अखंड भैया हैं वैसे ही रहेंगे सब, हट्टे कट्टे नौजवान, दाढ़ी वाड़ी सब नहीं, उनकी एज कम होती है। अरे यार स्पोर्ट्स में तो पूछो ना, स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है भाई। ये स्टॉप वॉच है कि बम बम तो नहीं है? बम मैं देखो, फट फट जाएगा भाई, इसको ले जाओ, कहाँ से मंगाए हो इसको भगवान चलो हाँ। गो। ज्यादा नहीं मोड़ो, घुटना ज्यादा मोड़ रहा है, क्या हुआ, क्रैम्प आ गया तुम्हें भी भगवान क्या यार तुम लोग, चलो आओ निकलो भाई, निकलो निकलो, खत्म करते हैं वर्कआउट, एक बार और करके देखो, क्रैम्प आता है तो छोड़ देना। खाया पिया करो यार तुम लोग, क्या कर रहे हो, एक ही एक सेट में दोनों लोग ढेर हो गए। चलो हाँ आया निकलो, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, जाओ चेंज करो और खा पी के बढ़िया चलो। तो देखिए जो क्रैम्प वाली दिक्कत है, क्रैम्प वाली दिक्कत जनरली आती ही आती है जब आप फिन्स वगैरह पहली बार यूज़ करते हो या इंटेंसिटी बढ़ाते हो वर्कआउट की, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इलेक्ट्रोलाइट हल्का सा पानी में, जैसे वाटर बॉटल है ना, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल लो, और इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद वर्कआउट करते करते तो हल्का हल्का, जैसे रेस्ट टाइम है थोड़ा सा, एक मिनट का रेस्ट टाइम है, थोड़ा थोड़ा सा पी लो, तो आपके मसल्स में इलेक्ट्रोलाइट बनी रहेगी और क्रैम्प आने का चांस कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सब क्रैम्प अगर मान लो स्विमिंग कर रहे हो बीच में कहीं आ जाता है तो फिर दिक्कत होती है स्विमिंग करने में। तो जैसे अभी दोनों लोग को एक एक बार क्रैम्प आ गया, तो इसलिए मैंने वर्कआउट रुकवा दिया, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करवाता तो क्रैम्प आते रहता, क्रैम्प आते रहता, इन लोग को दिक्कत होती रहती, वर्कआउट भी सही नहीं हो पाता। तो इसलिए जो लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं, जो लोग भी इंटेंसिटी इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स लेना शुरू कर दीजिए। और सबसे बेसिक इलेक्ट्रोलाइट है, सबसे बेसिक आप कर सकते हो कि नींबू पानी चीनी और नमक, इसका घोल बना के आप पी लो, वो भी सबसे बेस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट या इलेक्ट्रोलाइट वो सबसे बेस्ट होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बाय। और ये हमारे क्यूटी देखिए, ये है इनकी डाइट, क्या क्या है, किशमिश, चना, बादाम, जीरा क्रंच, मुनेको, दूध, खाओ बेटा। तो इस ये दोनों चेंज कर दो, इसके जगह ब्रेड और मक्खन रख लो ये कौन खाता है शिवराज शिवराज मम्मी आ गई, आ जाओ आ जाओ।